फोटोशॉप के अंदर इस तरह का प्रोडक्ट का पोस्टर बैनर कैसे डिज़ाइन करेंगे, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। प्लस ये जो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कोको कोला का जो तस्वीर है, इस तरह का टेक्स्ट, ये सब कैसे लाएंगे, कहाँ पे मिलेगा, इस तरह का वाटर स्प्लैश आपको किस जगह किस वेबसाइट से मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह का पोस्टर हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इस तरह का बैनर पोस्टर फ़ोटोशॉप के अंदर। फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7.0 का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास फ़ोटोशॉप का जो भी वर्सन है, चाहे नया हो पुराना हो, किसी में भी आप इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटोशॉप खुला हुआ है। तो सबसे पहले जो काम करना है, फाइल में जाते हैं, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन का इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ से जो एलिमेंट्स मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है जिस फोल्डर में, उस पर्टिकुलर फोल्डर में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोल्डर है, कोको कोला नाम का फोल्डर है। इसमें देखिए तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों जो एलिमेंट्स है ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है PNGwing.com नाम का वेबसाइट से लिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो वाटर स्प्लैश का है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर स्प्लैश यहाँ पे आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसी जो पेज में आया इसमें भी बना सकते हैं, या अपना पर्टिकुलर कोई भी साइज लेकर आप बना सकते हैं। तो चलिए इसी के अंदर मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनाएंगे। तो लेयर का पैलेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लेयर पे ये वाला स्प्लैश का तस्वीर है। अब यहाँ पे एक नया लेयर हम लोग क्रिएट करते हैं। ये मैंने नया लेयर क्रिएट किया और इसका जो कलर है, बैकग्राउंड का कलर, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक किया और यहाँ से मैं येलो इस टाइप का जो है आई ड्रॉपर से मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर वो कलर आ गया। अब पेन बकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये पूरा फिल हो गया। इसलिए फिल हो गया क्योंकि ऊपर वाला लेयर पे तो ये वाला फिल कर दिया, नीचे वाला लेयर पे वाटर स्प्लैश है। इसे ड्रैग करके ऊपर रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने रख दिया, वाटर स्प्लैश यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब करना क्या है, आपको कोको कोला का जो तस्वीर है बॉटल का, वो लेकर आना है। यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पर क्लिक किया, ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ पर देखिए PNGwing नाम का वेबसाइट से कोको कोला का तस्वीर लिया है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोको कोला का तस्वीर आ चुका है, बिना बैकग्राउंड का तस्वीर है। अब इसे यहाँ से ड्रैग करके अपने पेज पे ले जाते हैं। तो देखिए जाता नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है ड्रैग करके नहीं जाता है। तो इस सूरत में क्या करते हैं, सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट ऑल कर देंगे, पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ड्रैग करके अपने पेज पर ले जाकर रख देंगे। देखिए यहाँ पर कोको कोला का तस्वीर यहाँ पर आ चुका है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए आप, ये जो कोको कोला का जो बोतल है काफ़ी बड़ा है, कंट्रोल टी के साथ इसको थोड़ा स्केलिंग कर देते हैं। ये देखिए कंट्रोल टी के साथ, उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो इक्वली आपका बोतल चारों तरफ से इक्वली छोटा होता है। देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से इस तरह से घुमा देते हैं। ये देखिए मैंने घुमा दिया सिंपल कॉर्नर में रख के। अभी भी लगता है ये बोतल काफ़ी बड़ा है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे इस जगह पे एडजस्ट इस तरह से कर देना। ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, सिंपल तरीका है। छोटा लग रहा, बड़ा लग रहा, तो आप इस तरह से बोतल का साइज वगैरह बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। उसके बाद इसे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई हो गया है। अब जिस लेयर पर ये बॉटल है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे एड लेयर मास्क का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए टूल बॉक्स में यहाँ पे ब्लैक और नीचे वाइट होना चाहिए। और यहाँ से हम लोग ब्रश टूल पे क्लिक करते हैं, लेते हैं ब्रश टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे जो ब्रश का ये जो ऑप्शन बार है यहाँ पे, इसके डाउन बटन पे क्लिक किए और ये 200 वाला ब्रश या 100 वाला जो धुंधला नुमा है वो वाला ब्रश लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अब इस पर जैसे मान लेते हैं 100 वाला ब्रश ले लिया मैंने। अब सिंपली आपको करना क्या, लेने के बाद एकदम ठीक कॉर्नर हिस्से पे इस जगह पे आपको इस तरह से ड्रैग करना है। देखिए मैं हल्का सा देखिए इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ जिससे ये लगे किसी से निकला हुआ। देखिए कैसे सेट हो गया, देख सकते हैं, ईजी है। अगर आपको लगता नहीं और थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, ये देखिए इस तरह से आप इसको इस तरह से लगा दीजिए। अगर अभी भी लगता है नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स है या गलती हो जाता है तो ये वाइट चेंज कर दीजिएगा तो बाकी बोतल देखिए यहाँ पर आ जाता है। तो अगर कुछ गलती होता है आपको तो यहाँ से सिर्फ इंटरचेंज कर दीजिए कलर को, तो ऑटोमेटिकली आपको हो जाता है। तो ब्लैक पे क्लिक करके फिर से इसको हल्का सा इस तरह से मैं इस देखिए इस तरह से ड्रैग कर देता हूँ, जैसे लगेगा एकदम ठीक मिक्स इसी के अंदर से निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए हो गया, हो जाने के बाद ये तो काम कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड वाला लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे और एक कोला जो लिखा हुआ वो एलिमेंट्स लाएंगे। तो बैकग्राउंड वाला लेयर सिलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए कोको कोला लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे फिर ओपन पे क्लिक कर देते हैं। आ गया, ये भी बिना बैकग्राउंड का है। अब इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन वाले पेज पे ले जा रहे हैं, जा नहीं रहा, तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं।
उसके बाद इसे ड्रैग करके अपने पेज पे इस तरह से ले जाते हैं। ये देखिए मैं ला के इसको रख दिया। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स वगैरह लाते हैं अलग सा विंडो में ओपन होता है, इसे हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब ये जो कोकोला यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरह से कंट्रोल टी कर लीजिएगा। ये देखिए इसको इस तरह से मैं छोटा कर ले रहा हूँ, यहाँ से इसको इस तरह से छोटा कर लिया। अब थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये मैं इसको इतना छोटा, जितना बड़ा डिज़ाइन आपका जितना बड़ा पेज रहेगा इस तरह से आप छोटा कर लीजिए। इसको हल्का सा आप चाहें तो इस तरह से घुमा दीजिए, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा डिज़ाइन आपका। ये देखिए इस तरह से आप इसे यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है, लग गया। लगने के बाद अब ये डीप थोड़ा सा लग रहा है तो इसको थोड़ा लाइट करते हैं। तो उसके लिए जिस लेयर पे आपको कोकोला लिखा हुआ है उस लेयर को सिलेक्ट करें, यहाँ पे ओपेसिटी है, ओपेसिटी पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दीजिए तो हल्का सा देखिए यहाँ पे लाइट आपको दिखेगा यहाँ ओपेसिटी में। ये देखिए हल्का सा पीछे बैकग्राउंड में इस तरह दिख रहा है। ये कम्प्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और एक काम कर सकते हैं हम, देखिए, और यहाँ पर एक नया लेयर लेते हैं। अब यहाँ पर फाइल में जाते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिएगा एक लाइट है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। उससे क्या होता है आपका डिज़ाइन जो एलिमेंट्स है वो इन्हांस हो जाएगा। जैसे ये लाइट ग्लो है, गूगल में सर्च कीजिएगा या PNG विंग में जाइएगा, मिल जाएगा। इसे ड्रैग करके अपने डिज़ाइन पे ला के रखते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद ये जो है इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लाइट इस तरह से आ गया है, ऊपर वाला लेयर पर आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको ओवरले कर देते हैं। ये देखिए ज़्यादा खिला हुआ आपका डिज़ाइन यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो कंट्रोल टीकर से ये जो लाइट है इसको इस तरह से आप जिधर मन करे आपको इसको लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, अब इसी का एक कॉपी और बना सकते हैं। इसे ड्रैग करके यहाँ पे नीचे लगाएंगे, इसका एक कॉपी बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं या यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे जिधर आपको दिल करे, जिधर आपको डिज़ाइन अब ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। कोकोला का थोड़ा सा डीप करना है, थोड़ा लगता है लाइट हो गया कोकोला टेक्स्ट का। लगाने के बाद इसको अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए जिस लेयर पे आपका ये है डिज़ाइन है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये तो लग गया है। अब कोकोला जिस लेयर पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा डीप कर देते हैं। लाइट में अच्छा नहीं लग रहा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डीप कर देते हैं। यस इट इज़ लुकिंग गुड, इसको डीप ही रखते हैं। हाँ ये देखने में अच्छा लग रहा है, लाइट लगा दिया अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। अब फाइनली क्या करेंगे, अब सब लेयर को मर्ज करके एक लेयर में तब्दील करेंगे और थोड़ा सा इसको और इन्हांस करेंगे। तो ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट किया, एक नया लेयर और क्रिएट करते हैं, बन गया। उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और लेटर ई प्रेस करेंगे, एक लेयर नया सब मर्ज होके एक नया लेयर में तब्दील हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लेते कुछ गलती होता है, कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, तो इस लेयर को डिलीट करके आपको बाकी जो लेयर आपने जो यूज़ किया है सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद इसे डिलीट करके आप इसको फिर से एडिट वगैरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके लेवल्स है, लेवल पे क्लिक कीजिएगा, लेवल्स का पैलेट खुलता है। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा इस तरह से ब्लैक तरफ ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको वाइट की तरफ इस तरह से थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, तो क्या होगा आपका जो डिज़ाइन है जो आपने बनाया है ज़्यादा खिला हुआ नज़र आएगा, मतलब डल नहीं लगेगा। अब जैसे पहले वाला देखिए और अभी वाला देखिए, ये देखिए पहले वाला, ये वाला, बाद वाला हो गया। उसके बाद फाइल में जाके इसको सेव एज कर देते हैं। सेव एज इसलिए करेंगे क्योंकि ओरिजिनल फ़ोटो के ऊपर हम लोगों ने बनाया है, तो अगर सेव कर देंगे तो जो मेरा ये एलिमेंट्स था वो सेव हो जाएगा। तो इसलिए बेस्ट यही है सेव एज करें इसको। उसके बाद यहाँ से जेपैक चूज़ कर लीजिए, उसके बाद जो भी नाम देना है को कर दिया, हो गया। उसके बाद इसको सेव पे क्लिक करते हैं, बन गया। अब ओके यहाँ पे स्मॉल नहीं लार्ज साइज कर देते हैं, अब यहाँ मैक्सिमम हो गया, ओके पे क्लिक करते हैं, बन गया। अब ये तो फोटोशॉप के अंदर ये वाला डिज़ाइन आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको बाहर आके हम लोग देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन भाई कैसा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉर फोल्ड अपलोड नाम का फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने उसे ये किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये देखिए कोको लिखा हुआ था, राइट क्लिक करके अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग इसको यहाँ से ओपन करके देखते हैं कि हाँ भाई हमारा डिज़ाइन कैसा लगता है डिज़ाइन देखने में। ये देखिए खुल रहा है, अब देखिए आप इस डिज़ाइन को आप देखें, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन देखिए, नॉट बैड, खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको लग रहा है। देखिए बोतल भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्प्लैश करता हुआ यहाँ से निकल के आ रहा है। तो इस सिंपल तरीके से आप भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।